ब्राह्मण सभा वालों साढ़े बरनाला वासियों वालों आप सारा मेरा नाम नरेश है आनंदपुर साहब तो यात्रा सांझी वालता यात्रा मेड़ता जो राजस्थान के स्थान है इसे मीराबाई का जन्म स्थान है और चतुर्भुजनाथ मंदिर है उत्थे मत्था टेकने तो बाद यात्रा शुरू हुई है और 4 दिन यह यात्रा जी राजस्थान के विच रही नागौर बीकानेर सूरतगढ़ और गंगानगर वगैरह होके ये यात्रा जी है फिर फाजिल्का जिले प्रवेश हुई पंजाब के 10 तरीक नूं उस फाजिल्का फिरोजपुर मोगा तारण अमृतसर बटाला गुरदासपुर पठानकोट उदों थोड़े देर वास्ते यात्रा जी जम्मू कश्मीर भी गई फिर हिमाचल से गई अद्धे दिन वास्ते फिर बाजार द्वारा हुशियारपुर उस तो बाद जलंधर कपूरथला फगवाड़ा नवाशहर फिर नगर के रही उस बाद लुधियाना आ गई और लुधियाना तो बाद यात्रा जी है चलती हुई जगराव वगैरह इधर घूमते हुए यात्रा जी है मुक्तसर वगैरह होके फिर यात्रा जी है अज जी यात्रा जी है अज बरनाले के आई है और अगे इस यात्रा जी है पटियाला नाभा राजपुरा इधर होके संगरूर इधर होके फिर आनंदपुर साहब और फिर चंडीगढ़ ये 17 दिन का पड़ाव जो पंजाब के है फिर 4 दिन जी यात्रा 8 दिन जी यात्रा है ये हरियाणा के रहेगी अंबाला यमुना नगर जगाधरी वगैरह जो स्थान है उन्होंने करती हुई फिर यह 4 दिसंबर में यात्रा जी है ये परमवित्र जो स्थान है अपना कपाल मोचन के उपर उत्थे यात्रा जाके समाप्त हुई। मेरा नाम तो प्रमोद है जी। ये यात्रा जी है सांझी वालता यात्रा 2022 के नाम से चल रही है। 2022 का मतलब पिछले साल भी यात्रा निकली थी। पिछले साल 11 दिन की यात्रा सी। मेड़ता राजस्थान तो ही चली थी और सतगुरु रविदास महाराज जी के तपस्या स्थली तक हकीम देता समाप्त हुई। इस बार ये यात्रा 31 दिन की है, चली मीरा जी के जन्म स्थान तो ही है और इस बार ये यात्रा श्री कपाल मोचन हरियाणा यमुना नगर में जाके इसकी समाप्ति होनी है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य सांझी वालता है कि जिस तरह सतगुरु रविदास महाराज जी ने कहा है कि सत संगत मिल रही है माधव जैसे मधुप मखीरा, कि जिस तरह मधुमक्खियां का छत्ता आपस दे विच मिल के रहिंदा है, सानू सारे समाज नूं भी आपस विच रल मिल के रहना चाहिदा है, एक दूसरे दे दुख सुख दे विच शामिल होना चाहिदा है। असीं सारे रल मिल के रवांगे, एक दूसरे दी दुख सुख दी सांझ करांगे ते साडे समाज विच बल आएगा, ताकत आएगी और उस ताकत नाल असीं इस देश नूं उन्नति दीआं शिखरां ते लिजा सकदे हां।